हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय टू चैनल एमन यूनानी फार्मेसी। आई एम डॉक्टर मोइनक्कर। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं पिलेविन स्प्रे की। क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना है, कब नहीं लेना है, बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी गुजारिश है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपके लिए इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं पिलेविन स्प्रे की। इसमें जो है लिडोकाइन पड़ा होता है, जो इसका इस्तेमाल जब कराया जाता है जब पुरुषों के पेनिस पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उसमें उत्थान नहीं होता है, उत्तेजना नहीं होती है, सेक्सुअल हार्मोन कम हो चुके हैं, स्टेमिना कम हो चुका है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, और बचपन की गलतियों के कारण, हर्ष मैथुन के कारण, धात गिनने के कारण, स्वपन दोष होने के कारण उनके जो है लिंग में बिल्कुल भी हरकत नहीं है, नसें बेजान हो चुकी हैं, पूरी तरह मर चुकी हैं नसें, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, उत्थान नहीं हो पाता, अपने पार्टनर से इंटरकोर्स नहीं कर पाते, संभोग नहीं कर पाते, अगर कर भी लेते हैं तो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर जो है उनका जो है योनि पे पेनिस लगते ही जो है उनका वीर्य निकल जाता है। अगर किसी के ऐसी कंडीशन है कि वो जो है इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा और उसका लिंग जो है अपनी जो है पार्टनर के योनि पे रखते ही उसका वीर्य निकल जाता है, जिसकी वजह से शादीशुदा लाइफ उनकी बर्बाद हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्प्रे है। इसका इस्तेमाल जब करना है, जब अपने पार्टनर से इंटरकोर्स करने या संभोग करने या उससे कम से आधे घंटे पहले अपने नीचे की नसें जो हैं उस पर ये स्प्रे कर लेना है, थोड़ा सा और हल्के हाथ से मालिश कर लेनी है। फिर उसका कम से कम आधे एक घंटे बाद अपने पार्टनर से इंटरकोर्स करें, संभोग करें, रोमांस करें, आप देखेंगे ज़बरदस्त कड़कपन आएगा, जोश आएगा, स्टेमिना बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो तेज़ होगा नसों में और पेनिस भी बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे अपने पार्टनर को आप लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से खुश कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लगातार नहीं करना, इसका इस्तेमाल जब करें जब आप इंटरकोर्स करने जाएं। इससे जो है साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कभी कभी हो सकता है कि आपको जो है लाल चकत्ते पड़ जाए, एलर्जी पड़ जाए, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर कहीं आकर पेनिस से पहले से जख्म है या फिर लाल चकत्ते हैं, दाने हैं, तब इसका इस्तेमाल ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे और भी चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए वहाँ पर बहुत हेल्पफुल वीडियो पड़ी हुई है। वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।